हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो चलिए, आज हम आपके सामने लाए हैं एक बूस्टर जो कि नेटवर्क बूस्टर होता है और ये जियो का है। ठीक है, जियो 4G 3G नेटवर्क। तो इसे सभी तरह के नेटवर्क इसमें इंक्लूडेड होते हैं, अलग अलग तरीके के ये आते हैं। किसी का एयरटेल का है, किसी का जियो का, किसी का वोडाफोन का, किसी का रिलायंस का। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या इशू था और कैसे इसको रिपेयर करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास आया नॉट पावरिंग ऑन में, और ये देखिए, ये इसका अडैप्टर है। थोड़ा सा इसके बारे में पहले आप जान लें, तब इसमें रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका नेटवर्क का जो केबल लगता है वो होता है, जिससे कनेक्ट होता है, और ये इसका अडैप्टर है। ठीक है, तो अभी हम देखिए अडैप्टर लगा के यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अडैप्टर को कैसे चेक करते हैं नॉट पावरिंग ऑन में। तो मल्टीमीटर को क्या करेंगे आप, यहाँ पे डीसी रेंज पे रख लेंगे। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ मल्टीमीटर चलाना और उसको किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ग्राउंड से वोल्टेज को चेक कर लेंगे डीसी वोल्ट पे। तो देखिए 12.08 वोल्ट आ रही है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कर्सर है 20 वोल्ट पे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमेशा वोल्टेज चेक करने के लिए एवो वोल्टेज पे मल्टीमीटर को सेट करते हैं। तो देखें अब इसमें क्या है। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे अडैप्टर लगा दिया है और कोई भी एलईडी ग्लो हमारी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 एलईडी है, सिग्नल वाली, सिग्नल टू सिग्नल 3 और ये पावर वाली, बट हमारा कोई भी इसमें एलईडी ग्लो नहीं हुई है। ठीक है, तो अडैप्टर आप इसमें चेक कर ही चुके हैं। चार्जर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसको ओपन करने का देखिए दोस्तों तरीका होता है, मैंने यहाँ पे इसको, ये जितने भी स्क्रू हैं ये सबको ओपन कर लिए हैं। और आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो स्टिकर लगे हुए हैं और जो सीरियल नंबर है, इसके नीचे भी एक एक स्क्रू होता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको ओपन किया था तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ओपन नहीं हो रहा, फिर बाद में पता चला कि इसके अंदर भी एक एक स्क्रू हैं। ठीक है, तब इसको मैंने ओपन किया। ये ओपन, जैसे आप स्क्रू इसके सारे रिमूव करेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ इस तरह निकाल लेंगे फ्लैप को। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिजिकल यहाँ पे कुछ टूटा हुआ है जो कि कैपेसिटर होता है। ठीक है, और बाकी इसमें देखें यहाँ पे थोड़ा धुआं उठा है, तो हो सकता है यहाँ पे जो कंपोनेंट था वो शायद ये वाला कैपेसिटर लग रहा था इसमें। ठीक है, और ये 16 वोल्ट का है और अभी ये क्लियर नहीं दिख पा रहा है आपको। तो चलिए थोड़ा सा अब ये देखें, 16 वोल्ट का इसमें कैपेसिटर लगा हुआ था जो यहाँ पे टूटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार ये क्यों यहाँ से बस्ट हुआ है, ये क्या मतलब फिजिकल डैमेज है, ऐसा क्यों बर्न हुआ था ये फिल्टर, तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब बारी आती है इसको किस तरह चेक करते हैं। तो शॉर्टिंग चेक करने का भी मेथड मैंने आपको बता दिया है, मल्टीमीटर को बीप रेंज पर रखेंगे और दोनों क्रॉप को चेक कर लेंगे कि बीप हमारा आना चाहिए, तभी शॉर्टिंग चेक होती है। तो अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा देखें, तभी आप जान पाएंगे कि कैसे हम बूस्टर को, नेटवर्क बूस्टर को रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको देखिए कुछ इस कंपोनेंट के बारे में बताना चाहूँगा। ये यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस है 200, इसको कॉइल से बोल सकते हैं हम, 220 ओम की, और ये आपका यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसको डायोड बोलते हैं, और ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये मॉसफेट लगा हुआ है 8 लैक का, जो कि इसमें उसकी टेस्टिंग क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप रख पा रहे हैं यहाँ पे पिन एक दूसरे से जो है शॉर्ट होना चाहिए सारी लैग। तो यहाँ देखें यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, ये जो शॉर्ट बोल रही है दोस्तों, ये बाकी पिने एक ही ट्रैक पे काम करते हैं। आप सर्किट से रिलेटेड जब वर्क करेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो भी वर्क होता है सर्किट में तो वो ट्रैक से रिलेटेड होता है वर्क। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए इसका जो डायोड होता है वो कभी भी शॉर्ट नहीं बोलता है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट बोल रहा है तो इसका मतलब ये भी ख़राब हो सकता है, और यहाँ पे देखिए ये भी ख़राब है। ठीक है, तो अब इसको ओपन करके देख लेंगे, क्योंकि यदि इसमें से ये ख़राब हुआ तो ये भी शॉर्ट बोलेगा, और ये ख़राब हुआ तो ये भी शॉर्ट बोलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको ओपन कर लेते हैं और पता करते हैं कि क्या इसमें
इशू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा डायोड है इसको रिमूव कर लेंगे। देखिए हमारा डायोड यहाँ से रिमूव हो गया है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों डायोड तो हमारा यहाँ पे शॉर्ट नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो यानी कि हमारा डायोड ओके कंडीशन में है। अब बारी आती है यहाँ पे सर्किट पे, तो अब सर्किट को देखेंगे, सर्किट हमारा एज इट इज शॉर्ट बोल रहा है। तो अब ये फिर ये ख़राब है इसमें, ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक हम वन बाई वन कंपोनेंट ओपन नहीं करेंगे तो उसमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारा क्या चीज़ ख़राब है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ वीडियो को, जिससे आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। अभी हमारे पास इतना कंफर्ट वाला कैमरा है नहीं जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी वीडियो में बिल्कुल क्लियर से क्लियर दिखाई दे, ठीक है। चलो सर्किट को इस तरह रख लेते हैं, आपको दिखाई देगा। तो अब बारी आती है हमें सोल्डिंग आयरन का यूज करते हैं और इस फिल्टर को थोड़ा ओपन कर लेते हैं, जब ही हमें पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे जो फिल्टर लगा हुआ है ठीक है, तो हमने इसको एक तरफ से ये ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद वर्क करेंगे अपने। तो चलिए मल्टीमीटर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहीं डायोड के कर्सर पे आके देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा बीप तो अभी आ रहा है कंटिन्यू, और इसको भी चेक कर लेते हैं, अभी भी हमारा ये बीप है इसमें कंटिन्यू, ठीक है। तो हमारी शॉर्टिंग दोस्तों कहीं और हो सकती है, अब कहाँ हमारी शॉर्टिंग है इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, हो सकता है हमारा। और इस अब हम इस प्लेट को पूरी को रिमूव कर लेंगे, हो सकता है हमारा नीचे कंपोनेंट कोई बर्न हो गया हो। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्क्रू इसमें बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लेते हैं दोस्तों। स्क्रू इसमें थोड़े क्वांटिटी के हिसाब से हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रू हैं, तो थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होने से बचाते हैं, वीडियो को थोड़ा पुश कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें 25-30 स्क्रू और हैं, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को पुश कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर आते हैं वापस। तो इसमें बहुत स्क्रू होते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं सोच रहा कि इसमें स्क्रू नहीं होंगे इसके नीचे भी, मगर यहाँ पे भी स्क्रू था। तो अब इसको बड़ी आसानी के साथ आप ऐसे ही उठा लेंगे, क्योंकि सारे देख रहे हैं आप कितने स्क्रू इसमें हैं, कितने कम से कम 50-60 स्क्रू हैं इसमें। और इस तरह फिर आप इसको रिमूव कर लेंगे, सबको स्क्रू को रिमूव करना पड़ेगा, और तभी ये आपका जो पीसीबी है ये आप ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये डिस्प्ले है, और चेक करते हैं इसमें क्या शॉर्टिंग इसमें हमारी क्यों नहीं क्लियर हो पा रही। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का इसमें लेयर चढ़ा हुआ है ऊपर, ठीक है, जो कि ट्रैकेड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सब इंटरनली सर्किट बने हुए हैं, और ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल है दोस्तों इसको ट्रेस करना, बट फिर भी हम इस पर काम करेंगे। तो चलिए इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, इसको ले आता हूँ वो ले आना, और चेक कर लेते हैं हमारे। ये देखिए आप इस तरह चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी सर्किट को,
अभी भी शॉर्टिंग है दोस्तों इसमें, बट अब लास्ट पॉइंट पर एक आईसी आती है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। अभी इसमें आप चलिए लगे हाँ तो इसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन बात है हमें शॉर्टिंग को दूर करना है। हो सकता है यहाँ से शॉर्टिंग कहीं और आगे चली गई हो, तो फिलहाल इसको निकाल लेते हैं और तब चेक करते हैं शॉर्टिंग को। आइए सबसे पहले हम यहाँ डायोड पे ही आते हैं, तो इसका कोई अभी वो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कहीं और शॉर्टिंग है, तो चलिए चेक करते हैं हमारा कहाँ शॉर्टिंग है कहाँ। अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे भी हमें शॉर्टिंग दिखने टेस्टिंग में मिला है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस पर ट्राई नहीं था, वन बाई वन करके यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। ये जितने भी कैपेसिटर लग रहे हैं दोस्तों, इस तरह आप इसको चेक करेंगे, क्योंकि इसमें तो थोड़ा टाइम टेकिंग वर्क है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। आप इस तरह जो है इसको चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यदि फाइनली इसमें मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी आप देखें ये फिल्टर भी यहाँ पर भी शॉर्ट हो है और यहाँ पर भी ये शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए जितना हो सकता है मैं आपको कम टाइम में थोड़ा सॉल्यूशन दे देता हूँ। एक बार इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ सर्किट को, ये चेक कर लेते हैं ओपन करके, और इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहीं चेक कर लेते हैं, अभी कोई शॉर्टिंग हमारी क्लियर नहीं हुई है। यहाँ पे भी शॉर्टिंग है, बट यहाँ पे शॉर्टिंग अब हमारी नहीं है, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे शॉर्टिंग है और यहाँ पे भी शॉर्टिंग है। तो एक बार हमने इसको ओपन कर लिया है दोस्तों, तो अडेप्टर लगा के एक बार चेक कर लेते हैं, बट अभी हमारी शॉर्टिंग है एज इट इज। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं इधर को। अभी हमारा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमें इसमें लाइन वगैरह भी चेक करनी पड़ेगी, और हो सकता है ये हमारी इंटरनल शॉर्टिंग हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो बर्न हो गया था और अभी हमें इसमें शॉर्टिंग मिली नहीं है। हमें ये जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे एसएमडी कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको भी चेक करना पड़ेगा वन बाय वन करके। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही ट्रबल शूट किया है कि किस तरह इसको डायग्नोस करते हैं, किस तरह इसकी शॉर्टिंग को चेक करते हैं नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में। यहाँ पर मोस्टली इतने जो आप ट्रबल शूट किए हैं यहाँ पे आपको शॉर्टिंग क्लियर हो जानी चाहिए थी, बट इसमें अभी थोड़ा और क्रिटिकल है, तो उस इतना समय मैं आपका नहीं लूँगा, क्योंकि आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। उम्मीद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं या यूजर हैं या जिनके पास इस तरह के जो इक्विपमेंट हैं आप चेक कर सकते हैं और अपने खुद रिपेयर कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट से नेक्स्ट।